गर्मियों की छुट्टियां। आज साल का सबसे अच्छा दिन है। क्यों? आज क्या है? आज तो इतनी गर्मी है। वही तो टोटो, आज से गर्मी की छुट्टियां हैं, तो सुधी के लिए अच्छा दिन तो होगा ही ना। बचाओ, 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 बच्चों परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और परीक्षा के बाद क्या होता है? लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्या? हाँ, इस बार गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ाई करनी होगी। बज गई घंटी। करोगे ना? हाँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। साल भर पढ़ाई करने के बाद बच्चों को छुट्टियाँ मिलनी ही चाहिए। आज से तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू। टोटो, हम सब इस बार पहाड़ पर जा रहे हैं। पहाड़ पर? हाँ, ऊंचे पहाड़ पर बसा खूबसूरत शहर, जहाँ इस समय भी ठंड होगी। राधिका और सुधि भी हमारे साथ जा रहे हैं। अच्छा, तुम पहाड़पुर जा रहे हो तो हम आसमानपुर जाएंगे। हमारे पिताजी हमें वहाँ ले जाएंगे। हाँ। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। लेकिन क्यों पिताजी? इसीलिए कि तुम लोगों ने साल भर पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब जब तक परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। पर पिताजी, कह दिया ना, वो कहीं नहीं जाओगे। अब ये बल्लू कहाँ चला गया? अभी तो यही था। वो रहे भैया और टोटो। पहाड़ में बर्फ तो होगी पर आम नहीं, वहाँ इसकी कुल्फी बनाकर खाऊंगा। ये आम वहाँ तक बचेंगे तब ना। चलते हैं वैद्य जी। नमस्कार। अब हम भी जा रहे हैं पहाड़पुर। वाह, कितनी सुंदर जगह है। चलो यहाँ रुककर खाना खा लेते हैं। हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बल्लू के आम कब आएंगे कहाँ? अब बस दो आम खा लूं तो मजा आ जाएगा। अरे मेरे आम कहाँ गए? तुम्हारे पेट में। मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें आम बचे थे। पूरे रास्ते खाते आ रहे हो, आम कहाँ से बचेंगे? माँ! कोई बात नहीं बल्लू, लो ये लो लड्डू का पूरा थैला अपने पास रख लो। ये थैला मैं बाहर लटकाता हूँ, अब कोई मेरे लड्डू नहीं खा पाएगा। लड्डू
महल नहीं सराय है, आज रात हम यहीं रुकेंगे। हाँ, मेरे लड्डू खत्म हो गए। भैया अब तुम कहोगे कि तुमने नहीं खाए। सच में मैंने नहीं खाए कृष्णा। लगता है बल्लू के लड्डू घोड़े खा गए। आइए आइए, सैरी लाल सपाटा की सराय में आपका स्वागत है। बच्चों यहाँ तुम्हारे लिए झूले भी लगे हैं, वो देखो। अरे वाह, बज गई घंटी। नहीं झूलूंगा, कहीं मैं इस झरने में गिर गया तो। डरो नहीं सुद्दी, झूले में सुरक्षा पेटी है, आओ। नहीं चंपू, मुझे भी आओ कुछ ढूंढते हैं। अरे अरे चोर 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 जी, टोटो के रहते चोरी है? चोर हमारी गाड़ी में है। ये क्या? चंपू भांडू तुम? हम चोर नहीं हैं, हमने तो बस बल्लू के आम और लड्डू खाए थे। क्या? देखा किसना, मैं सच कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं खाया। अगर तुम चोर नहीं हो तो चोर है कहाँ? चोर उधर गया है। तुम्हें जेल की सैर करवाता हूँ। शाबाश बेटा। चंपू भोंदू, घर से बिना बताए चले आना बहुत बुरी बात है, समझे? तुम्हारे पिताजी को खबर कर दी गई है, वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तब तक तुम यहीं रुकोगे और सराय की सफाई में मेरा हाथ बटाओगे। ये है मेरे आम चुराने का इनाम। चलिए अब हम चलते हैं। अब पहाड़पुर कितना दूर है? बस आगे नदी पर एक पुल है और उसे पार करते ही हम पहाड़पुर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, ये गाड़ियां क्यों रुकी हुई हैं? अरे भैया, पहाड़पुर जाने का पुल टूटा हुआ है। अरे भैया वापस क्यों चल दिए? हमारे जाने में ही भलाई है भैया, पता नहीं पुल बनाने में कितना समय लग जाए। लगता है हमें भी वापस जाना होगा। पहाड़पुर के इतना पास आकर वापस जाना अच्छा नहीं है। तो क्या करें किसना, बताओ? आओ मेरे साथ। अरे बच्चा रुको, कहाँ जा रहे हो? किसना कहाँ जा रहे हो? पुल बनाने का सामान लेने। मैं भी आता हूँ। हम सब भी आते हैं, क्यों भाइयों? हाँ हाँ। सब लोग मिलकर इसे खींचिए। ढकेलिए।
ये क्या हुआ? गाड़ी तेज दौड़ाइए। सब आगे से बाहर निकलो। और मेरे खाने का सामान भी। सामान गिर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम सब सही सलामत हैं। और हम सब पहाड़ पर भी पहुंच गए हैं। कितना सुंदर है ये। और कितना ठंडा। अब आएगा गर्मी की छुट्टियों का असली मजा। हे, सब्सक्राइब टू वाओ किड्स टुडे।